स्वागत आप सभी का। ब्रेक के बाद नीति आयोग की टीम दो दिनों के दौरे पर पहुंची रांची। उपाध्यक्ष सुमन बेरी के नेतृत्व में पहुंची टीम। मौके पर सुमन बेरी ने कहा, अभी आया हूं, चीजों का आकलन करूंगा, जिसका जायजा लिया हमारे संवाददाता आयुष ने। दो दिवसीय दौरे को लेकर नीति आयोग की टीम झारखंड पहुंच चुकी है। हम बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं और देखिए टीम जो है वो एयरपोर्ट से निकलती हुई नजर आ रही है। तमाम वो जिला प्रशासन के आला अधिकारी मौजूद हैं और आपको बता दें कि उपाध्यक्ष सुमन बैरी के नेतृत्व में दो दिवसीय के लिए जो है टीम यहां पहुंची है बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पे। उनके स्वागत के लिए जिला प्रशासन के और तमाम आला अधिकारी, साथ ही साथ जो IR जो जवान हैं उनकी भी तैनाती की गई है। हम प्रयास करेंगे सुमन बैरी से दो सवाल लेने की। सबसे पहले देखिए स्वागत किया जा रहा है उनका और काफी कह सकते हैं झारखंड में जो लेकर सुखाड़ की समस्या हो या फिर केंद्र और राज्य को में जो केंद्र और राज्य द्वारा जो योजनाएं चलानी है उसको समन्वय में बना को। सर सबसे पहले आपको झारखंड में वेलकम। सर थैंक यू। सर सबसे बड़ी बात, यहाँ पर लगभग 180 प्रखंड है जो सुखाड़ से ग्रसित है। इसमें 13 जिले अति ड्राई जोन पूरी तरह से ड्राई हो चुके हैं, वो बातें होंगी। नहीं मिल रहा है इलाज उनको नहीं हो पा। मैं पहली दफा आ रहा हूँ, मैं आपसे मतलब एक दो दिन झारखंड में बिताने क्या कुछ शेड्यूल है सर, बस इतना बता है। नहीं अब तो सरकार इन्होंने कहा है कि वो आकलन करेंगे, हालांकि अभी वो पहुंचे हैं, जिला प्रशासन के तमाम अधिकारी जो है वो मौजूद हैं अभी फिलहाल, वो सीधे जा रहे हैं। उन्होंने कहा है कि वो जो तमाम चीजों का आकलन करके जो भी स्थिति है वो स्पष्ट करेंगे, लेकिन समस्याएं अत्यधिक है। आपको ये समझना होगा कि झारखंड के कुछ ऐसे जिले हैं जो काफी जो है वो ड्राई है और सुखाड़ पैकेज को लेकर भी बात हुई थी, साथ ही साथ आयुष्मान भारत का पैसा अस्पतालों को नहीं मिल रहा है जिसके वजह से गरीबों का इलाज नहीं हो रहा है, और की बात करें जो भी केंद्र और राज्य की योजनाएं हैं जो पहुंचनी चाहिए वो पहुंच रही है कि नहीं, वो ये तय करेंगे देखेंगे। हालांकि हमने बात करने की कोशिश की, उन्होंने कहा कि सीधे पहले हम यहाँ आज पहली बार झारखंड पहुंचे हैं, उसके बाद जो है ये तमाम चीजों को देखेंगे। तो हमारे तस्वीरों में देखिए सुमन बैरी आपको स्पष्ट नजर आ रहे होंगे। इनके साथ आपको बता दें कि दो अन्य सदस्य भी हैं जो इनके साथ पहुंचे हैं और ये दो दिवसीय इनका पूरा कार्यक्रम है। आपको बता दें कि जो सुमन बैरी के साथ एक माफ कीजिएगा, मैं उनके उनका नाम बता रहा हूँ कि एक नेतृत्व में दो अन्य सदस्य भी हैं जो पहुँचे हैं, जिनका लिस्ट में स्पष्ट नाम नहीं हो पा रहा है, लेकिन हाँ एक चीज़ जरूर है कि अगर दो दिन टीम जो है वो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात के अलावा कई विभागों के जो भी है सचिव हैं उनसे मुलाकात करेंगे और चीज़ों का आकलन करेंगे। तो ये तो तय है कि ये जितनी भी योजनाएं चलाई जा रही हैं या फिर जो कुछ भी झारखंड में हो रहा है वो यहाँ की रिपोर्ट केंद्र को जाएगी और हो सके हमें राहत मिले। सहयोग दीपक के साथ मैं आयुष चौहान, न्यूज 11 भारत, रांची। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज 11 भारत, सच है तो दिखेगा।